हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग, कुछ नया ट्राई मैं नहीं मानता करने वाले हैं। तो आइए हमारे सबसे पहले बुला लेते हैं हमारे साथी जो इस वीडियो में दिखेंगे आपको, नन अदर देन काला साया। ठीक है, सबटाइटल पढ़ दिया नहीं, तो फिर से शुरू करते हैं। तो आज हम बुलाते हैं नन अदर देन बैटमैन। हेलो, क्या कहा? आपको बुलाने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आज मंडे है। मंडे? हाँ, क्योंकि संडे के बाद मंडे आता है। मंडे किसको पसंद है? और मंडे कहीं लोगों के कैलेंडरों में नहीं होता, और चोर मंडे को चोरी क्यों करेगा? और संडे को ही वो चोरी चोरी करके भाग गया होता है, और चोरी के बाद मंडे होता है, इसलिए मंडे को आज आपकी छुट्टी होगी ऐसा मैंने माना। और कहीं लोगों के कैलेंडर में मंडे नहीं होता, इसलिए आपको बुलाने का ये सबसे बड़ा कारण है। तो आज मंडे है। कहना क्या चाहते हो? कहना बस यही चाहता हूँ कि आज मंडे है और आप फ्री हो ना? फ्री हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मंडे पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, तो ठीक है, काम शुरू करते हैं। तो आज का ये मंडे लवर है वो पठान मूवी, जिसका अभी अभी रिसेंटली ट्रेलर आया है, और उसके ऊपर जो भी मीम बने हैं उस पे हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो आप फ्री हो उस पे? मैं फ्री नहीं हूँ। आप फ्री नहीं हो? क्यों, आपको क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, पर मैं फ्री नहीं हूँ। ये मेरा मास्क 200 रुपए का है। हाँ, तो आपकी कीमत 200 रुपए हुई है ना? और मेरी घड़ी, ये सिटी स्कैनर देख रहे हो? सिटी स्कैनर? चौक मारा ना, ये कोई सिटी स्कैनर नहीं है, ये घड़ी है, वॉच है, जो आप पहन के घूम रहे हो किसी की। ये बहुत महंगी है। कितनी महंगी है बताइए, कुछ प्राइस दिखाइए तो आपको इतनी कीमत लगा देंगे। महंगी है। कितनी महंगी? मुझे तो लगता नहीं महंगी है। ये घड़ी तो चोरी की लग रही है। ये क्या बोल रहे हो भाई? घड़ी चुराई है, वो भी लड़की से, क्योंकि ये पिंक है, है ना? ने लड़की से घड़ी चुराई है? हाँ, मैंने चुराई तो नहीं थी, पर तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो मीम देखेंगे ना, रिएक्शन कराऊंगे, तो शुरू करते हैं रिएक्शन। मुझे कैसे दिखेगा एक फोन की स्क्रीन में? हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। तो इस फोन को साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं। यही स्क्रीन पे ही होगा जो भी मीम होगा, उस पे रिएक्शन करना है। तो आप रेडी हो ना? रेडी हूँ। मीम है बिग बॉस, जो अभी उसका जितना भी सीजन चल रहा है उसमें कंटेस्टेंट है, जिन्होंने बताया कि, तो देखते हैं मीम। तो उसमें लिखा है कि शाहरुख खान को फिट माय लॉन्ग हेयर, लुक फॉर पठान फॉर्मल बिग बॉस कंटेस्टेंट अभिजीत बिचोलिया। मेरा फेवरेट है वो, जो भी है। तो आपको क्या लगता है बैटमैन? तो बढ़ते हैं हमारे अगले मीम पे, और ये मीम काफी अच्छा था, और शाहरुख खान का ट्रेलर देखने के बाद हम बहुत ही एक्साइटेड हो गए हैं। और उसका जो भी एक्शन और डायलॉग देखने के बाद उनको देखने के लिए बहुत बेसब्र हो चुके हैं। बॉयकॉट गेम्स ट्रेलर में एक सीन था जिसमें ओनली शाहरुख खान का हेलीकॉप्टर ट्रेलर में कुछ बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे किसी पर दिखाया गया है। हाँ, ट्रेलर देख लेना, और बहुत ही अच्छा ट्रेलर है। तो आगे बढ़, तो आगे जो भी मीम है वो स्टूडेंट लाइफ पे है, और उसी पे जो भी पठान अच्छा। के मीम बन सकते वो बनाए हैं, अच्छा। तो उसको पढ़ते हैं आगे। Returning to class, room after sports period. ये
इससे मुझे अपनी बचपन की याद आ गई। तो अपनी याद को अपने पास रखो। विंटर जो भी चल रहा है, और जनवरी जो विंटर में सबसे ठंडा मंथ माना जाता है वो चल रहा है, तो उसी के लगते हुए एक मीम है, माय सिचुएशन इन विंटर, दिस इज सो रिलेटेबल। आपका क्या कहना है बैटमैन जी? तुम गरीब हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। आप इससे रिलेट नहीं करते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तेरी तरह गरीब नहीं हूँ। वो तो पता है कौन गरीब है और कौन चोर, कौन किसी की सिटी स्कैनर पहन के घूम रहा है और उसको अपनी वॉच बताता है, और पिंक वॉच जो किसी अपला नारी से चोरी की हुई है वो पहन के उसको सिटी वॉच दिखाता है। क्यों मदर? बैटमैन। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया वो कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बैटमैन जी कुछ बोलिए ना सब्सक्राइब करने के बाद। अनसब्सक्राइब।